रोमियो एंड जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू। अरे तुमने नोटिस किया कि देसी लव स्टोरीज में लड़की का नाम हमेशा पहले आता है? चल क्या रहा है तुम्हारे स्टूपिड ब्लडी माइंड में? तुम मुझे रिजेक्ट करते हो, यू रिफ्यूज टू स्लीप विद मी, और तब से ऐसे मेरा पीछा कर रहे हो। क्यों पीछा कर रहे हो तुम मेरा? मैं आज के बाद आपका पीछा नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें, तुम मेरा पीछा मत करो। तू क्या चाहता क्या है भाई? Would you like to break dance? Dance? छुपी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया कोई? तुम मुझे तंग करने लगे। इस बंटी और बबली को तो मैं देख लूंगा। दूरदर्शन के किसी सीरियल से दिखने वाले मासूम चेहरे कभी एक और नाम से भी जाने जाते थे। जी हाँ, बंटी और बबली। सालों पहले बड़े बड़े कांड किए। अनशन बकरे आप, ये काम हम सालों पहले छोड़ चुके हैं। अगर इन दोनों ने नहीं किया तो फिर किया किसने? बंटी बबली हम है वो नहीं। हमारा ब्रांड इस्तेमाल करके दुश्मनी मोल ली उन्होंने। अब जब तक उन्हें पकड़ कर चार चपेड़े नहीं लगा देती ना, मैनु चैन नहीं पाएगा। गांव में कोई फाइव स्टार होटल है? गरम ताला नहीं है, फाइव स्टार होटल की क्या बात करते हैं? फिर कुंवर साहब रुकेंगे कहाँ? पहली बार इस गांव में पधारे हैं। कुंवर साहब? ये कुंवर साहब है? हाँ, एशिया के सबसे अमीर आदमी गजेंद्र प्रताप के बेटे महेंद्र प्रताप। गुरिया चुराना मेरा जिया गुरिया। मैंने आपको कहीं देखा है? किससे बात करता है? कितने? सिंगापुर का राजा महेंद्र प्रताप का बेटा कुंवर राज प्रताप सिंह। सेक्रेटरी, एटीएम का फोन है। एटीएम सर? अंबानी, ट्रंप, मोदी। देखा है आपको? मैं नौजवानों की दिल की धड़कन हूँ, रातों की रानी हूँ। व्हाट से मैन? हेवन ऑन द डॉक में, ब्यूटी इन द फ्रॉक में। चल बे ठड़की। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। वो सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जिनके वन साइडेड लवर्स हो। दिल टूटे आशिकों का मसीहा बनना चाहता है। ऐसे केस में बोलना बहुत मुश्किल होता है कौन हीरो कौन विलन। तो मैं कौन हूं, तेरा डर या तेरा प्यार? विलन। ब्लॉकबस्टर जुड़ी है अपनी। मैं विलन और तू। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़ और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लो, ले लो। कांदे ले लो। कमाल, कमाल का शॉट दिया है, कमाल। अपने राजीव को जरूर मालूम होगा सर। हाँ। राजीव भाई आप ही बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। तू बीच में टांग लगाने वाला कौन? नो। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब। अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग। अरे पूरी बात तो सुन लेना। अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो।